नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके आज के धम्म देशने के लिए प्रारंभ कीजिए। आप सभी लोग भी हमारे साथ बोल सकते हैं, नहीं तो श्रद्धा से श्रवण कर सकते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदितव्वो विन्योहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरिस युगानि अट्ट पुरिस पुग्गला एष भगवतो सावक संगो। आहुनेयो पावुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्साति। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, मैं आज आप लोगों को बहुत गंभीर धर्म देशना बताने वाला हूँ। ऐसी देशना जो भगवान बुद्ध ने जो स्वयं संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो जिस उद्देश्य से भगवान का मतलब जन्म होता है, संसार में आना होता है, तो वो उद्देश्य होता है कि भगवान स्वयं अपने परिश्रम से जो विमुक्तिदायिनी मार्ग है उस मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करते हैं और निब्बान प्राप्त कर लेते हैं। और उसी जो जो अवबोध किया हुआ निब्बान है, वही निब्बान, उसी प्रकार का निब्बान दूसरों को भी, सभी देवता और मनुष्यों को भी वो प्राप्त हो, इसीलिए भगवान बुद्ध उन्हीं धर्म की देशना देते हैं और इसी के लिए भगवान का जन्म होता है। और भगवान ने अपने जीवन में जितनी भी देशना दी है, वो सभी देशनाएं परम निब्बान के लिए ही है। इसमें कहीं कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो निर्वाण की ओर जाने वाला नहीं है करके ऐसा नहीं कह सकते। यानी एकांत रूप में ये निब्बान गामी तथागत का धर्म है। तो निब्बान गामी तथागत के धर्म में एक कुछ विशिष्ट ऐसे धर्म अंग है जिसका महत्व बहुत विशेष होता है, विशेष है। तो आज मैं आप लोगों को विपस्सना के बारे में, विपस्सना का कर्मस्थान लेने लेकर उसके अनुसार कैसे विपस्सना का अभ्यास करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ये साधना निश्चित तौर पर ऐसी साधना है कि जो हर व्यक्ति को अपने भीतर, यानी कि स्वयं के ही द्वारा धारण किए हुए धर्म गुणों के अनुसार ही स्वयं को विमुक्ति का मार्ग या फल, कोई इसमें से कोई ना कोई तो विवाद अवबोध हो सकती है। तो ऐसा ये मार्ग है जो विपस्सना, बहुत गंभीर उपदेश है।
हमने जैसे शमत भावना का अभ्यास या शमत कर्म स्थान के बारे में बताते हुए भी कहा है कि शमत भावना भी ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी, मतलब जैसे कि किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी दृष्टि वाला व्यक्ति हो, यानी अलग अलग धारणाएं धारण किया हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति सम्यक समाधि प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि शमत कर्मस्थान का अभ्यास नहीं कर सकता है। उसके लिए भी सम्यक दृष्टिवान होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये शमत साधना का अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि सम्यक दृष्टिवान होना, उसी प्रकार से ये विपस्सना का अभ्यास करने के लिए भी सम्यक दृष्टिवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये धर्म मतलब उसके रास्ते चल ही नहीं सकते। अगर सम्यक समाधि नहीं है तो सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा, जिससे कि जो विपस्सना जहाँ जागती है वो कहाँ से जागेगा। जहाँ सम्यक ज्ञान ही नहीं है तो वहाँ सम्यक विमुक्ति कैसे होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग अपना जो रास्ता है वो आरंभ करते ही मिथ्या दृष्टि से करते हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं जो भूतकाल में मैं क्या था, कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कौन हूँ, और मैं भविष्य में क्या बनूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या होकर क्या बनूंगा, मतलब इस तरह से अलग अलग धारणाएं में पड़े रहते हैं, और इस तरह के अलग अलग दृष्टियों में बन जाने के कारण, दृष्टि में दृष्टि के जंजाल में या जाल में फंसने के कारण वो मुक्त हो ही नहीं सकते, मतलब उनके लिए मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। इसलिए भगवान ने ये मुक्ति का मार्ग बताते हुए मतलब एक बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, पञ्यु तस्सायं धम्मो नायं धम्मो दुपञ्यसे, यानी कि जो प्रज्ञावान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्हीं के लिए भगवान का ये धर्म है। जो अज्ञानी लोग हैं, यानी कि जो अलग अलग मिथ्या धारणाओं में फंसे हुए लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए ये तथागत का धर्म है ही नहीं। वो व्यक्ति इस धर्म के मार्ग पर एक कदम ही नहीं रख सकता है। अभी देखिए, हम जब बहुत गंभीरता से भगवान के धर्म को जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो एक बात समझ में आती है। जैसे कोई आपने अगर अपदान ग्रंथ पढ़ा होगा तो उसमें समझ में आता है कि कोई व्यक्ति भगवान को क्यों मिलता है, भगवान के पास मतलब क्यों जाता है, उनकी संगति क्यों करता है, या भगवान का नाम सुनने के बाद उसके हृदय में ऐसा भाव क्यों जागता है कि मुझे भगवान को देखना चाहिए या भगवान की देखना श्रवण करनी चाहिए। तो ये जो बात चेतना जो जागती है, तो उसकी जो जड़ें हैं ना, तो वो कभी ना कभी पूर्व बुद्धों के समय में, सम्यक संबुद्ध के काल में भी होती है, या तो कम से कम भगवान को कोई दान दिया होता है, या कम से कम भगवान का गुण सुनने के बाद, या किसी को बताते हुए मन में श्रद्धा उत्पन्न की हुई होगी, या यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो कम से कम शरण भी गया होता है, लेकिन उस समय में उसको इस धर्म का परिचय नहीं हुआ होता है किसी प्रमाद के कारण। तो वो जड़े होने के कारण जब कभी सम्यक संबुद्ध का शासन संसार में होता है, तो उस व्यक्ति का मनुष्य लोक में जन्म होना और भगवान की शरण जाना या भगवान का धर्म श्रवण करना, ये सारी बातें जो उपलब्ध होती है, तो ये उसके कोई पूर्व पार्मी होती है। मतलब ऐसे ही नहीं, भगवान का धर्म मिलने के लिए बहुत पुण्य लगता है। आज लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय की क्वांटिटी बढ़ाने में बहुत खुशी समझते हैं, मतलब एक आनंद समझते हैं कि कोई लोग अगर हमारे इसमें आ जाए तो हमारी इतनी प्रजा है, इतनी प्रजा है, ठीक है, इस तरह से कॉन्फिडेंस लगता है। लेकिन भगवान के धर्म में ऐसा कोई भी ऐसे लाया नहीं जा सकता है। उसके अंतर जो जब पुण्य जागता है तभी वो भगवान की तरफ जाता है, या भगवान के का नाम सुनते ही उसके हृदय में श्रद्धा जागती है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो किस वर्ण का है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, या काला है, गोरा है, धनवंत है, गरीब है, किस तरह का है वो जरूरी नहीं होता है। भगवान का धर्म जब कभी वो श्रवण करता है तो उसके हृदय में श्रद्धा जागती है, और वही व्यक्ति जब धर्म को धारण मतलब धर्म को श्रवण करता है, और धर्म श्रवण करने के बाद
जब उसके भीतर सम्यक दृष्टि पैदा होती है, तभी वो सम्यक दृष्टि पैदा होने के कारण ही वो शील का पालन कर सकता है और अपने भीतर की बुराइयों को हटाता है, अच्छाइयों को अपनाता है, तब जाकर वो व्यक्ति इस विमुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सक्षम बनता है, उसके लिए उसके अलावा नहीं बन सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं तस्मात्तिह त्वं भिक्खु, इसलिए भिक्खु तू आदिमेव विशो देहि कुशलानन्दम् आनन्। भगवान कहते हैं भिक्षु तुझे सभी कुशल धर्मों का जो आदि है यानी कि आरंभ है उसको विशुद्ध बनाना चाहिए, उससे तो युक्त बनना चाहिए। अगर तू ऐसा चाहता है कि मुझे ये जो ज्ञान मिले, धर्म का ज्ञान मिले, विपस्सना का ज्ञान हमारे भीतर उत्पन्न हो और हमें संसार दुखों से मुक्त हो, ऐसा अगर तू चाहता है तो तुझे चाहिए कि जो कुशल धर्मों का जो मूल है, उसका जो आदि है, आरंभ है, वो तुझे उसको विशुद्ध बनाना चाहिए, उससे तुझे पाना चाहिए, उससे तो युक्त बनना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कुछ आदि कुशलानंग धम्मानंग, तो उन कुशल धर्मों का आदि कौन सा है? तो भगवान कहते हैं सीलंच सुविशुद्धं दिट्ठिंच उजुका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ये दोनों ही बातें शमत भावना के लिए भी बहुत जरूरी है, शमत भावना का अभ्यास करने के लिए भी शील सुविशुद्ध होना चाहिए और दृष्टि रुजु होनी चाहिए। रुजु होने का अर्थ क्या है कि जो वंक नहीं है, यानी कि जो न जो अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व में नहीं होता, उसको होने की तरह वो समझता है और जो अस्तित्व होता है उसको न होने की तरह समझता है, तो उसकी उसकी दृष्टि में वंक है यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, मतलब सीधी नहीं है। दृष्टि रुजु होना और शील का सुविशुद्ध होना ये धर्म के मतलब विपस्सना का अभ्यास करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले भी लोगों ने विपस्सना भावना का अभ्यास किया होगा, लोग अलग अलग संप्रदायों से या अलग अलग मतों को धारण करने वाले लोग भी इसका अभ्यास करते होंगे। जैसे कि गोयनका जी ने जो विपस्सना सिखाई है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो और अभ्यास भी करते हैं, 10 दिन का शिविर करते हैं, सतिपट्ठान का भी करते हैं, 20 डेज करते हैं, 30 डेज करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन विपस्सना का अभ्यास करने के लिए अनुकूल वही व्यक्ति बनता है जिनका शील सुविशुद्ध है और दृष्टि रुजु है। तो ये जो ये दो गुण अगर नहीं है तो व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों ना करे, कितना भी प्रयास करे, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की साधना निर्वाण की ओर उसे मतलब ले जाएगा ही नहीं। मतलब वो चाहे सिर्फ साल के पीछे साल बीत जाएंगे, शिविर के पीछे और भी शिविर बढ़ेंगे और एक ऐसा भाव आएगा कि मैंने इतने सारे शिविर किए हैं और ये बाकी लोग ये ध्यान नहीं करने वाले हैं, मैंने इतने इतने सालों से हम ध्यान करते हैं, हम सही माने में विपस्सी है, ध्यान ही है, ये गए गुजरे लोग हैं जो यहाँ पर मतलब इतना अच्छा धर्म होने के बाद भी नहीं श्रवण कर पाते हैं। तो आदि रूप से मतलब उनमें अहंकार आदि बहुत सारे क्लेश बढ़ते हैं और फिर जो भी कोई ना कोई क्रिया होती है कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं और यंत्रवत काम चलता रहता है। तो ये साधना बिना सम्यक दृष्टि बने यानी कि रुजु दृष्टि रुजु बने ये साधना आरंभ हो ही नहीं सकती। अगर दृष्टि रुजु नहीं है तो शील भी सुविशुद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दृष्टि रुजु कैसे बनती है? दृष्टि रुजु तब बनती है जब व्यक्ति धर्म का श्रवण करता है, भगवान बुद्ध के द्वारा या भगवान बुद्ध के जो श्रावक है उन श्रावक संघों के श्रीमुख से कोई व्यक्ति धर्म का श्रवण करता है तभी वो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान बनता है। और ये धर्म श्रवण केवल भगवान मतलब भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान का श्रावक जो नहीं है वो व्यक्ति धर्म का दान नहीं दे सकता है। लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ
जो भगवान बुद्ध के जीवन के ऊपर एक एक कोई वीडियोस बनाते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे बातें बनाते हैं, उस व्यक्ति का धर्म का दान दान नहीं बनता है और धर्म वो सुविशुद्ध भी नहीं बनता है। ठीक है, भगवान बुद्ध या भगवान का श्रावक ही केवल श्री सद्धर्म की देशना कर सकता है। और जब हम उनकी संगति में जाते हैं और उनके उनसे धर्म श्रवण करते हैं, तब हमें ये ज्ञान होता ही है कि जो भगवान का जो धर्म है आदि कल्याणकारी, आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी। सत्थंग यानी कि निर्वाणिक अर्थ समाया हुआ है, सव्यंजनम परिपूर्ण रूप से विस्तार रूप से बताया गया है, उसमें कहीं कोई ऐसी कमी नहीं है, कहीं कोई उसमें ज्यादा ऐसा कोई नहीं है, मतलब सही ढंग से स्पष्टीकरण किया हुआ है, यानी कि स्वाखात है। सव्यंजनम केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं एकांततः परिपूर्ण एवं परिशुद्ध है, ये भगवान का धर्म है। और ये जब उसको समझ में आता है, जब सुविशुद्ध धर्म का श्रवण करता है, तो ये उसको बोध होता ही है कि भगवान का धर्म कैसे है, स्वाखातो स्वाखात है, आदि कल्याणकारी मध्य आदि है। तो ये ज्ञान होने के कारण वो भगवान बुद्ध को समझता है कि भगवान की बोधि को समझता है, भगवान के धर्म को समझता है, भगवान के श्रावक संघ को समझता है। और ये समझने के कारण उसकी श्रद्धा श्रद्धा अंध नहीं बनती है, उसकी श्रद्धा प्रज्ञा के साथ मूलिक श्रद्धा बनती है और वो श्रद्धा विशुद्ध श्रद्धा बनती है। और इस तरह से श्रद्धा में प्रतिष्ठित होने के बाद उसकी दृष्टि कैसे बनती है, रुजु बनती है यानी कि सम्यक दृष्टि बनती है। और ऐसा सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति शील अपने शीलों को सुविशुद्ध रूप में पालन कर सकता है, यानी कि उसके जो सम्यक कर्मांत है, यानी कि शरीर से होने वाली जो क्रियाएं हैं उसको अच्छा बनाता है, वाणी के दुराचरण को दूर करके वाणी के शील सदाचरण को धारण करता है, आजीविकाओं को अच्छा बनाता है, इस तरह से शील को सुविशुद्ध बनाता है। ये बात केवल उपासकों के लिए ही नहीं है, ये खास करके सबसे इंपॉर्टेंट बात तो प्रवचितों के लिए है, क्योंकि प्रवचित अगर मिथ्या दृष्टि के साथ प्रवचित होता है, प्रवचित अगर अपने शीलों को ठीक ढंग से पालन न करती हुई बनता है, तो उसके लिए तो बहुत अनर्थकारी बात है, मतलब इतनी अनर्थकारी है कि सोच नहीं सकते। भिक्षुओं के लिए कम से कम चार प्रकार के सुविशुद्ध शील है, या उसको कहते हैं चतुपार शुद्ध शील, जैसे प्रातिमोक्ष शील है और इंद्रिय संवर शील है, आजु परिशुद्ध शील है और आभि समाचार शील। ये चार प्रकार के शील सुविशुद्ध रूप में पालन करना बहुत जरूरी होता है, तभी वह व्यक्ति इस विपसना का अभ्यास कर सकता है। फिर कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं थोड़ा शील में ऐसा 19-20 रहूंगा, आगे पीछे करूंगा, ये छोटा छोटा इससे क्या होता है करके ऐसा सोचेगा और बस ध्यान के लिए जाएगा, शिविर के ऊपर शिविर करेगा, तो बात बनती नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करने वाला है, दूसरों की ईर्ष्या करने वाला है, तो ये अकुशल है, ये दुराचरण है, हम ये केवल मन का मन में सिर्फ क्लेश जागते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वाणी से प्रकट नहीं करते तो हमारे हम तो बहुत शीलवान सदाचार है। अगर मन में भी कहीं बुराइयां जागती है तो बुरे बुरे कर्म बुरे हैं, मन के भी बुरे कर्म होते हैं, वो भी शील के अंतर्गत आते हैं। तो शील का सुविशुद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है और दृष्टि का रुजु होना। अगर ये बात नहीं है तो उसको समझना है कि मैं अपने दृष्टि को रुजु कैसे बनाऊं। अभी देखिए, आज हम इतने साल हो गए गोयनका जी के लोग शिविर करते हैं और अनेक संप्रदाय के शिविर लोग करते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले ही कुछ एक गोयनका जी की कुछ वीडियोस देखे थे। कुछ लोग जो आजकल की भाषा में बहुत बड़े मतलब जो बहुत अपने नाम के सामने ऐसे बहुत डिग्रियां लगाते, श्री श्री लगाते हैं, संत महात्मा जो भी लगाते हैं, कोई भगवान भी लगाता है, तो वे लोग भी उनको मिले थे और उनके संपर्क में आए, उनके 10 दिन के शिविर में बैठे थे और उनको इस तरह से उनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बहुत अच्छा है, मैं भी ये बात सिखा सकता हूँ। उनको खुद अनुभव होने की तो बात बहुत ही थोड़ी सी बात उनको अच्छी लगी और उसको बहुत सारी बातें जोड़ते जोड़ते एक अपनी टेक्निक बनाए और उसमें से अपना एक व्यापार व्यवसाय बनाए, उससे बहुत सारा पैसा कमाया, प्रतिष्ठा कमाए।
लोग उसको संत आदि आदि बहुत सारे नाम बताएं, श्री श्री बोलते हैं बहुत सारे। तो ये एक्सपीरियंस गोयनका जी ने भी बताया है और ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं और वे भी विपसना के लिए आते हैं। और फिर जब वहाँ से शिविर होने के बाद वापस जाते हैं और फिर देखते हैं वही मिथ्या दृष्टि उनके भीतर है, वही सभी मत मतांतर, अन्य बहुत सारी धारणाएं हैं, अपने पास्ट की जो भी धारणाएं हैं उसको लेकर कुछ मिथ्या धारणा है, भविष्य में होने वाले के उसके बारे में मिथ्या धारणाएं हैं, और बहुत सारी ऐसी गलत धारणाओं से घिरे रहकर फिर भी कहते हैं कि मैं हम प्रैक्टिस करते हैं, आनापान करते हैं, विपसना करते हैं और हमें बहुत लाभ मिला है, शरीर के बहुत सारे बीमारियां दूर हुई है, मन भी बहुत शांत है, हम जो काम करते हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अच्छा लगता है उनको। लेकिन उनका ये अभ्यास अभ्यास मात्र ही रहता है, उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं बनता है, क्योंकि आउटपुट मिलने के लिए जो बातें चाहिए वो दृष्टि की रुजुता होनी जरूरी है और शील का विशुद्ध होना बहुत जरूरी है। शील का विशुद्ध, शील अगर विशुद्ध नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, और वो लोग कुछ लीडर लोग होते हैं, विपसना में जाते हैं और आने के बाद और बहुत करप्ट बनते हैं, तो वहाँ शील का शील ही नहीं होता है, वहाँ झूठे का सहारा लेते हैं, बहुत सारे दूसरों को धोखा देना आदि, वहाँ शील ही नहीं है, फिर भी वहाँ जाते हैं तो क्या वो विपसना कर पाएंगे, वो तो बस एक अपने एक मन की माया में वो डूब जाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात तो ऐसी है, लेकिन जो विपसना नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो विमुक्ति की कामना करते हैं और बहुत सारे अलग अलग साधनाएं तपस्या करते हैं, जैसे कोई ऋषि मुनि है बहुत सारे, तो उन वे लोग भी अलग अलग दृष्टियों में उलझने के कारण वे लोग भी अपने भी अपने शील को भी सुविशुद्ध नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो उस प्रकार की गलत धारणा को धारण करता है उसी को वही लगता यही लगता है कि मैं जो समझता हूँ यही बात सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, जो मैं कहता हूँ वही श्रेष्ठ बात है बाकी सब हीन है। तो सच्चाइयों को समझना नहीं चाहता है, या जो है उसी को समझता है कि यही सत्य है। इस तरह का चश्मा पहन लेता है कि उसको कोई और रंग दिखता ही नहीं, जो चश्मे का जो रंग पहना होता है वही रंग दिखाई देता है, तो उलझ जाते हैं, वो व्यक्ति निर्वाण की ओर नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं ये विपसना का कर्मस्थान देने से पहले इतना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे हम जब कभी कदम उठाएंगे तो सही कदम होना चाहिए, अगर कदम ही गलत रहा तो आगे का सभी सभी रास्ता ही गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सही कदम उठाना बहुत जरूरी है और सही बात समझनी जरूरी है। ठीक है, तो विपसना का आरंभ सम्यक दृष्टि से होता है। कुछ लोग झगड़ा करते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शील समाधि प्रज्ञा ऐसा है, वो मानता ही नहीं है कि मतलब सम्यक दृष्टि से, सम्यक दृष्टि होने के बाद ही विपसना कर सकते, सम्मादिट्ठि सम्मक संकल्प आदि ये अंग आते हैं, मानता ही नहीं है, तो झगड़ा करता है और क्रोध करता है, मैं तुझे ये करूंगा, चर्चा करूंगा, ऐसा करूंगा, तुझे तो परास्त करूंगा, भीतर क्रोध आता है, बहुत सारे मान आता है, ईगो हर्ट होता है, पता नहीं वो कैसी कौन सी साधना करते हैं। जो विपसना अपने मन को निर्मल बनाती है, लेकिन उसी को लेकर कोई व्यक्ति इस तरह का आडंबर कर लेता है, मान लेता है और स्वयं को ऊंचा, दूसरों को नीचा बना दिखाता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये दृष्टि का दृष्टि को रुजू न बनाने के कारण होता है। ये सारा खेल जो होता है दृष्टि से ही आरंभ होता है, दृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है विपस्सना का अभ्यास या शमते या विपस्सना का अभ्यास करने का आरंभ सम्यक दृष्टि से होता है और शील की विशुद्धता से होता है। ठीक है, तो संक्षेप में यूं क्या कहे कि ये सम्यक दृष्टि होना यानी क्या होता है, तो भगवान आगे कहते हैं तत्र भिक्खवे सम्मादिट्ठि पूर्वंगमा होती, ये पूर्वगामी होती। अगर ये दो ही अंग सभी कुशल धर्मों के उत्पन्न होने के लिए कारण बनते हैं। इसके बारे में एक उपमा है, उपमा ऐसी है कि संसार में कोई भी प्राणी हो या जो भी सृष्टि जो भी दिखाई देती है,
सृष्टि में जो दिखाई देता है, उत्पन्न होने वाले जो दिखते हैं, वो पृथ्वी के आधार से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी पर के आधार से ही बढ़ते हैं। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस धर्म के मार्ग जो भी शमते या विपस्सना का जो अभ्यास करता है, तो ये सारे कुशल धर्म जो भी बोधिपाक्षी धर्म है, वो सारे कुशल धर्म इन सम्यक दृष्टि और शील के सुविशुद्ध शील के आधार पर ही उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। तो इससे भी आपको समझ में आया होगा कि ये दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सुविशुद्ध शील सभी कुशल धर्मों का मूल क्यों है, आरंभ क्यों है, आदि क्यों है। तो ये आदि आरंभ अगर आपने विशुद्ध बना दिया, अच्छा बना दिया, ठीक कर दिया, तब आप चाहे किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति क्यों न हो, आप अनुकूल बनते हैं इस विमुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन दृष्टि का जाल आसान नहीं है छोड़ना, इसके लिए बहुत पुण्य लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा बताई है वो शिक्षा तक पहुंचते ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि भगवान बुद्ध ने कोई सत्य बात बताई है। हालांकि अपने अपने मतों में रहते हुए भी लगता है कि मैं इस जो मानता हूँ उसको भी मैं सच्चाई को देख कर ही मानूंगा। ऐसे बहुत बड़े टीचर्स होते हैं, कोई भी बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं, ज्ञानी पंडित होते हैं, वे लोग कहते हैं कि मैं सच्चाइयों के सहारे जीने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है, उसमें जो सत्य है वही वो देखते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो परम सत्य बताया है उसको लेकर वो अनभिज्ञ रहते हैं। वो कहीं छोटे छोटे लेखकों की किताब पढ़ते हैं, जैसे मैंने हाल ही एक बहुत एक प्रसिद्ध एक प्रोफेसर का एक वीडियो देखा था। उसने कोई कभी कभी उसको भगवान बुद्ध बहुत अच्छे लगते हैं और भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के श्रावकों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि मैं उसमें से कुछ अच्छी बात बताऊं, लेकिन वो टोटली गलत होती है। यानी कि मैं आज बहुत सारे ऐसे परसांप्रदायिक लोगों के जो बुद्ध के ऊपर बनाए हुए वीडियोस देखता हूँ, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि कुछ अच्छी बात बताए, प्रेरक बात बताए, और बहुत स्ट्रांगली बताते हैं और उसमें लोग इंस्पायर भी होते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन जो उसकी जो बेस है वो मिथ्या होता है और गलत। और क्यों होता है? क्योंकि वो जो जिन ग्रंथों का आधार लेते हैं वो छोटे छोटे किसी ग्रंथों का, किसी ने लेखकों के ग्रंथ अपने मतों से बनाए हुए ग्रंथों का सहारा लेते हैं और मूल भगवान की सत्यवाणी समझ नहीं पाते हैं, तो उलझ जाते हैं, है ना। तो उन लोगों को भी लगता है कि हम सम्यक दृष्टिवान हैं, लेकिन हालांकि वो सम्यक दृष्टिवान नहीं होते। भगवान ने जो बात कही है वो नहीं कही है। जब भगवान ने बात नहीं कही हुई है उसको कही है करके जो बताना, यानी कि भगवान ने जो विघ्न कारक बात बताई उसको बोलता है कि ये कोई उसमें कोई विघ्न नहीं, बाधा नहीं। जो भगवान ने बात भगवान ने जो बात कही है कि ये सुविशुद्ध है उसको बोलता है कि नहीं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो ये कहता है तो उसकी दृष्टि रुजू नहीं होती, वो दृष्टि मिथ्या होती। तो ये पूर्वगामी सम्यक दृष्टि कैसे होती है? तो भगवान कहते हैं ये जो सम्यक दृष्टि है, सम्मादिट्ठि पजानाति, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि की तरह जो समझता है, पजानाति प्रज्ञा से वो समझता है, और मिथ्यादिट्ठि पजानाति और मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि की तरह ही समझ लेता है, चाहे वो लौकिक सम्यक दृष्टि हो चाहे लोकोत्तर सम्यक दृष्टि हो, दोनों को यथावत समझता है। चाहे लौकिक मिथ्या दृष्टि हो, लोकोत्तर मिथ्या दृष्टि होती नहीं है, लेकिन लौकिक मिथ्या दृष्टि है तो उसको समझ लेता है, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के तौर पर समझता है और प्रज्ञा से समझता है। तो अगर ऐसा समझता है तो वो क्या बनता है? सम्यक दृष्टिवान बनता है। शास्त्र होती सम्मादिति, उसी की वह सम्यक दृष्टि होती है। सम्मा संकल्पन सम्मा संकल्प होती बजानाती, वो व्यक्ति सम्यक संकल्प को सम्यक संकल्प की तरह ही समझ लेता है, जैसा है जिस अर्थ में सम्यक संकल्प बताया है उसी अर्थ में वो सम्यक संकल्प को लेता है। जैसे हमने हमारे भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध एक नेता है, उन्होंने बुद्ध जयंती के अवसर पर आर्यष्टांगिक मार्ग को बताया, सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाच।
और बहुत दृढ़ता के साथ कहते हैं कि यही वह रास्ता है जो मुक्ति का रास्ता है, जो साफ व्यक्ति मतलब दुखों से बाहर आकर सुखी बन सकता है। लेकिन उसका जो अर्थ है बिल्कुल टोटली भिन्न है, उसका बिल्कुल भिन्न है। लेकिन बस उसमें थोड़ी थोड़ी जो अच्छाई लगती है, उनको लगता है कि जो उसमें जो भी अच्छाई अभी कोई व्यक्ति धारण करता है इससे व्यक्ति सुखी बनता है, बस इतना मात्र होता है। लेकिन ये लौकिक सम्यक दृष्टि, लौकिक संकल्प समा संकल्प तो अलग ही है, लेकिन निर्वाण की ओर ले जाने वाला जो ये है, जो मार्ग है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। वो दोनों को ही समझना है, यानी कि लौकिक सम्यक दृष्टि, लौकिक समा संकल्प, लोकोत्तर समाधि, लोकोत्तर समा संकल्प आदि, ठीक है। तो मिच्छा संकल्प, मिच्छा संकल्प होती पर जाना, जो मिच्छा संकल्प है तो मिच्छा संकल्प के तरह ही वो समझ देता है। उसी प्रकार सम्मा वाचा को सम्मा वाचा की तरह, मिथ्या वाचा को मिथ्या वाचा, सम्यक कर्मांत को सम्यक कर्मांत की तरह और मिथ्या कर्मांत को मिथ्या कर्मांत की तरह, जो ऐसा समझता है तो वही उसकी सम्यक दृष्टि होती है। सम्मा आजीव को सम्यक आजीविका की तरह समझता है, मिथ्या आजीविका को मिथ्या आजीविका की तरह समझता है तो उसकी सम्यक दृष्टि है। सम्यक व्यायाम को सम्यक व्यायाम की तरह समझता है, मिथ्या व्यायाम को मिथ्या व्यायाम की तरह समझता है, ये उसकी सम्यक दृष्टि है। सम्मा सति को सम्मा सति, मिथ्या मिथ्या स्मृति को मिथ्या स्मृति, सम्यक समाधि को सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि को मिथ्या समाधि की तरह ही वो समझता है। सास होती समाधि वही उसकी सम्यक दृष्टि होती है। तो ये ऐसा सम्यक दृष्टिवान बनना है। अगर ऐसा नहीं है तो बनना चाहिए, धर्म का श्रवण करते हुए, धर्म के मूल ग्रंथों को, जो भी भगवान बुद्ध त्रिपिटक के मूल सूत्र उपदेशों को श्रवण करते, उसका ज्ञान लेकर अपनी दृष्टि को रुजु बनाना चाहिए और अपने शील को शुद्ध बनाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तभी व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान बनता है। भगवान बुद्ध ने ये जो मार्ग बताया है एकदम ये है, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल सभी जितने भी मिथ्या धारणाएं जहां पैदा होती है उनको दूर करके, यानी कि मध्यम मार्ग बताया है, यानी कि कोई दो अंतों को भी छोड़ दिया है और मध्यम मार्ग बताया है। तो मध्यम मार्ग इस तरह से है कि मतलब कोई मतलब अंतिक नहीं है, मतलब एक बहुत सारा इस अंत को या उस अंत को नहीं, ये मध्यम मार्ग है। और ये मध्यम मार्ग होने से ही ये परम सत्य है और रुजु मार्ग है विमुक्ति के, उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत आसानी होती है ज्ञानी व्यक्तियों के लिए। इसलिए भी जो लोग पूर्व यानी कि पूर्व जन्म से संबंधित कुछ ऐसे धारणाएं धारण करते हैं, जैसे कि पूर्व में मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैं किस लोक में, मैं मेरा पिछले जन्म मेरा किस योनि में मेरा जन्म हुआ था, मैं वहां से च्युत होकर किस लोक में चला गया, मैं क्या हुआ था, क्या होकर क्या बना था, और मैं किस तरह से इस लोक दुनिया और मैं संसार में क्यों संसरण करते आ रहा हूँ, और मैं क्या होकर अभी मैं क्या बना हूँ, मैं अभी कौन हूँ, और मैं कैसा हूँ, और मेरा अस्तित्व क्या है, और मैं यहाँ मरने के बाद मैं क्या बनूंगा, और मैं क्या होकर क्या बनूंगा। इस तरह से या तो पूर्व जन्म से संबंधित या फ्यूचर लाइफ के संबंधित ऐसे बहुत सारे ये जो मूल आधार है, लेकिन उस आधार के आधार पर बहुत सारी मिथ्या धारणाएं पैदा होती है। और भगवान बुद्ध एक उदय बंत जी को कहते हैं, उदय तिठतु पुब्बंतो तिठतु अपरंतो, यानी कि जो पहले के जो पास्ट लाइफ की जो बात है उस जो दृष्टिया है उसको भी छोड़ दो, और जो फ्यूचर लाइफ से संबंधित जो धारणा है उसको भी छोड़ दो, मैं तुझे एक बहुत अच्छा सरल धर्म की देशना देता हूँ, धम्म देशिषा इमस्मिंग सति इदं होति। अभी यहाँ जो हम जो है, जो हमारा जन्म हुआ मनुष्य लोक में, इमस्मिंग सति इदं होति, यानी कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया है कि कोई ऐसा पेड़ है तो उसकी छाव का होना जरूरी है। इमस उपादा इदं उपजति, यानी कि ये अगर पेड़ उत्पन्न हुआ पैदा हुआ तो उसकी छाव भी पैदा होती ही है। इमस्मिंग असति इदं न होति, अगर ये पेड़ नहीं है तो उसकी छाव बिल्कुल नहीं होगी। इमस निरोधा इदं निरुज्यति, अगर वो पेड़ निरुद्ध हुआ नष्ट हुआ तो उसकी छाव भी निरुद्ध हो जाती, यानी कि जो हम इस संसार में हैं, तो भगवान बुद्ध उसका कारण बताते हैं कि उसके कोई तो खाओ मतलब ये कुछ कारण है जो आज हम हैं, तो उसका एक कारण है क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है तो
मतलब उसका कारण उत्पन्न होने के कारण ही ये उत्पन्न हुआ है। अगर उसका कारण निरुद्ध हो जाता है तो ये जो जन्म मरण का स्वभाव है ये भी निरुद्ध हो जाता है। तो कितना सरल है ये विमुक्ति का मार्ग। अगर इसमें से ये दोनों अंतों की जो दृष्टि या मिथ्या धारणाएं है वो छूट जाती है और व्यक्ति सम्यक दृष्टि को अपनाता है, कितना सत्य है। तो इस तरह से अपनी दृष्टि को रुजु बनाता है। कोई व्यक्ति और भी है, जैसे कि भगवान के समय में एक सुभद्र परिव्राजक था, और वो भी जैसे भगवान के समय बहुत सारे लोग, जैसे कि निगंटनाथ पुत्र, संजय बेलडी पुत्र, मक्खली, वो सभी लोग क्या कहते हैं कि मैं स्वयं हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं अरहंत हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, वो सभी लोग बोलते थे। तो उसके मन में प्रश्न आता है कि क्या सचमुच ये लोग है या नहीं। लेकिन जब उसके सब सबके पास जाता है, सब निराश हो जाते हैं, सबके पास जाकर निराश हो जाता है। बाद में भगवान के पास आता है और पूछता है वही बात, क्या भगवान के क्या वे सचमुच इस सब कुछ जानने वाले, देखने वाले, स्वयं वो है, सर्वज्ञ है। तो भगवान कहते हैं जो बात, मतलब अगर वो रहने दो, वो वे लोग सर्वज्ञ है या नहीं है ये बात एक और रख दो, एक बात रहने दो। नहीं, मैं तुझे एक स्वतंत्र रूप से एक धर्म बताता हूँ, धम्मं ते सुबद्धं देशिष्यामि। मैं तुझे एक बहुत अच्छा रुजु धर्म का मार्ग बताता हूँ, तंग सुना है वो सुनो, और साधु का मनसी करो ही, बहुत अच्छी तरह से मन में उसके अनुसार मनसी करो, भाषिष्यामि बताता हूँ। और ऐसे बताते कहते हैं कि जिस धर्म में, यानी कि जिस शिक्षा में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसी धर्म में प्रथम श्रवण है, द्वितीय श्रवण, तृतीय, चतुर्थ, यानी कि विमुक्ति के मार्ग की जो अवस्था है, यानी कि श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत होना है, वो होता है। और जिस धर्म संप्रदाय में, या यूं कहें कि जिस रिलीजन में ये आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं होता है, वो श्रवण शून्य है, वहां पर श्रवण नहीं दिखाई देता है। भले ही अपने नाम के सामने श्रवण लगे, महाश्रवण लगे, बहुत सारे पद लगाए, वो श्रवण नहीं होता, अश्रवण होते हैं। ठीक है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ही एकमात्र श्रवणों का श्रामण्य धर्म है। एक श्रवण को श्रवण बनने के लिए जो श्रामण्य धर्म होता है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत ही सम्मादिट्ठि से होती है। और जो व्यक्ति इस तरह से मार्ग पर आता है, उसकी दृष्टि रुजु बनती है, उसका शील सुविशुद्ध बनता है, और वो व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए सक्षम बनता है। तो ऐसा व्यक्ति बनने के लिए अपनी दृष्टि को रुजु बनाना है और अपने शील को सुविशुद्ध बनाना है, तो चार बातें आप लोगों को फुलफिल करनी होती है। उनसे उसको उसी को कहते हैं विमुक्ति के अंग, या श्रोतापत्ति के अंग भी बोलते हैं। जैसे कि सत्पुरुष यानी कि सत्पुरुषों का संवास, यानी कि उसकी संगति करना, सत्पुरुष की संगति करना पहला है। सत्पुरुष कौन होते हैं? जो भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावक, जो सुपटिपन्न उदुपटिपन्न है। ऐसा नहीं कि कोई भी भगवान को, मैं भगवान का श्रावक हूँ कहा और वो सत्पुरुष बन गया, ऐसा नहीं। जिसके भीतर भगवान बुद्ध का सचमुच धर्म है, धारण किया हुआ है, और केवल वाणी में ही नहीं है, उसकी काया में, वाणी में, मन में परिपूर्ण रूप से धारण किया हुआ है, वो सत्पुरुष है, वो सुपटिपन्न। तो ऐसा सत्पुरुष की संगति करना, फिर उनके द्वारा बताया गया श्री सद्धर्म श्रवण करना, फिर उस श्री सद्धर्म के अनुसार योनिसो मनसिकार करना, ये तीसरा चरण है, और धम्मान धम्म पटिपदा, ये उस बताए हुए धर्म के अनुसार जब हम प्रतिपादन करते हैं तो तब जाकर व्यक्ति क्या बनता है, तब वो व्यक्ति इस धर्म के महान प्रतिफल को पाने के लिए अनुकूल बन जाता है। तो दृष्टि का रुजु होना और शील में प्रतिष्ठित होना ये पहला चरण है। और मैंने इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आप लोग इतने सालों से जो कर रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, भटक जाते हैं व्यक्ति। ठीक है, जब रास्ता भटकता है तो डेस्टिनेशन कैसे मिलेगा, भटकी हुई व्यक्ति को सही जगह पर कैसे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए भी ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। और जो ऐसा होता है, सम्यक दृष्टिवान बनता है, जिसका शील सुविशुद्ध बनता है, उसकी श्रद्धा भगवान के ऊपर, धर्म के प्रति, संघ के प्रति बहुत अकम्प रहती है और बहुत अच्छी रहती है। उसी को
कह सकते हैं कि वो श्रद्धा संपन्न है। और ऐसा व्यक्ति श्रद्धा संपन्न जब बनता है तो बस कहना ही क्या है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा संपन्न बनता है उसके लिए विमुक्ति का द्वार खुल जाता है, ये विपस्सना का द्वार खुल जाता है। मैंने मेरे प्रवचनों के पहले प्रवचन में बताया था, अपारुता तेसं अमतस्य द्वारा ये सोतवंतो पमुचंतु सद्धं। भगवान का ये जो श्री सद्धर्म है, जो लोग श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद जिसके हृदय में ये श्रद्धा उत्पन्न होती है उनके लिए ये विमुक्ति का द्वार खुल गया, उनके खुला ही संग। तो भगवान के इस उस वाक्य को हम यह समझ सकते हैं, ठीक है, जो विपस्सना का कर्मस्थान का आरंभ करना चाहते हैं अब भी समझ में आता है कि ये कैसे ये विपस्सना का द्वार, मुक्ति का द्वार आपके लिए खुलता है। समझ में आया कुछ? तो इससे समझना है, तो आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्म क्यों न हो, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को रुजू बनाएं और अपने शील को सुविशुद्ध बनाएं, और इसके साथ में जो आपने हृदय में श्रद्धा प्रतिष्ठापित करेंगे तो आपके लिए ये विपस्सना का द्वार खुल जाता है। अगर द्वार ही खुला नहीं है तो उसको एंट्री कैसे करेंगे, उसके आजू बाजू में ही घूमेंगे, साल के पीछे साल बीत जाते हैं, व्यक्ति उसके आजू बाजू में ही घूमता है कि अरे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ नहीं है। सबसे पहले है कि उसका वो विपस्सना का जो द्वार है खुलना चाहिए, वो मुक्ति का द्वार खुलना चाहिए। विपस्सना क्या है? मुक्ति का द्वार है। वो खुलता है सम्यक दृष्टि और सुविशुद्ध शील के आधार पर, जो श्रद्धा मजबूत बनती है उससे। श्रद्धा जातो उपसंकवति, जो श्रद्धा, जो ऐसे श्रद्धा, जो ये होता है, जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, जैसे कि भगवान के श्रावक उपसंकमंतो पैर उपासति, अगर उनके पास जाकर उनकी सेवा करना चाहिए, सेवा में रहना चाहिए। ऐसे ही दो मिनट आया और बंदे जी आप अपना धर्म बताएं और हम बस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, उनकी सेवा में रहना चाहिए। पैर उपासंतो सोतंग ओधति, उनकी सेवा में रहते हुए जो जो जो, जो कहेंगे उसकी और ध्यान देना है, कान देना है। ओहित तो सोतो धम्मंग सुनाती, पूरा ध्यान और स्मृति, मतलब उसका पूरा कान लगा के झुकाते हुए उस हर धर्म के शब्द को सुनना है। सुतवा धम्मं धारयति, जो धर्म सुना है बस उसको धारण करना है, जिस अर्थ में जो धर्म बताया है उसी अर्थ में उसको धारण करना है। धातानं धम्मानं पन्याय अत्थं उपपरिक्खति, अगर जो धर्म धारण किया है उसको विपस्सना प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा के साथ में उसके अर्थ को समझना है, उसके अनुसार विमर्शन करना है। अत्थं उपपरिक्खतो धम्मा निज्ञानं खमति, और इस प्रकार से उसके अर्थ को समझने के बाद उसमें उस अर्थ को अपने में देखना है, वो अपनी दृष्टि उस प्रकार से रुजू बनानी। खमति का अर्थ होता है कि जैसे कि वो अनुकूल बनाना, उसके मतलब उसके अनुकूल बनाना। और धम्म निज्ञान खंति या छंदो जायते, और जिस प्रकार और जो इस प्रकार के धर्म के मतलब एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति तक आ जाता है, मतलब यानी कि जो परिपूर्णता अवबोध के साथ, ज्ञान के साथ जब धारण करने के समझने का जो जो स्थिति आ जाती है तभी वो उसके भीतर छंद जायती, यानी कि विमुक्ति की भावना जो चेतना है वो जागती है। छंद जातो उत्सहति, और जब ऐसे छंद जागता है तभी वो उस धर्म के मार्ग पर या विपस्सना के मार्ग पर चलने के लिए पुरुषार्थ करता है। देखिए अभी जो मैंने ये सारी बातें अगर नहीं होती और फिर बीच में ही उत्साह करेंगे मैं मुक्ति का लिए प्रयास करूंगा, नहीं होता है। वो पहले आरंभ में जो बताया है वहां से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो जब उत्साहती तो उसके बाद में ही वो व्यक्ति अपने भीतर उस धर्म के गुणों को देखते हुए उसके स्वभाव को अनुभव करता है, उसको देखता है, और उसके लिए अपना समग्र जो जो कायिक जो एफर्ट्स है, जो परिश्रम है उसको लगाता है, और परमत्थं च सच्ची करो दी, और इस प्रकार से धर्म में झुक जाने के कारण परमार्थ। अभी देखिए ये लोग जो दूसरे संप्रदाय के लोग परमार्थ शब्द उपयोग करते हैं, परमार्थ और नहीं है, परमार्थ साध्य करने का ये रास्ता है। परमार्थ क्या है? जो परम अर्थ है,
इस संसार में सबसे अर्थ परम अर्थ है निब्बान, जो निब्बानिक अर्थ साध्य करता है वो परमार्थ है। इस लोक में देवता लोक में जाए, ब्रह्म लोक में जाए, या भवाग्र लोक में नेव संज्ञाना संज्ञायतन आरूप लोक में जाए, वो परमार्थ नहीं है। परमार्थ है कि जो इस लोगों के परे की अवस्था है, जहां न जन्म है न बुढ़ापा है न मृत्यु है, जो ऐसी परम श्रेष्ठ निर्वाणिक अवस्था है, उस अवस्था को पाने का जो अर्थ है, जो मतलब पाने का जो अर्थ सिद्ध करता है वो परमार्थ है। और वही व्यक्ति परमार्थ सच्ची करोति पन्याय चन्नंग पटिविज्ञं पश्यति, और मैं विमुक्त हुआ हूँ ये बात अपनी प्रज्ञा से वो देख लेता है। तो आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि ये रास्ता कितना सुंदर है और कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए विपस्सना का ये द्वार खुले, तो आपको ये ऊपर में बताई हुई बातें नोट करनी है, एक प्रोजेक्ट प्लान की तरह समझना है, उसकी हर एक पही कड़ी को समझना है और उसके हर एक कड़ी को पूरा करना है। और देखे अपने आप को, सचमुच आप धन के रास्ते आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे, मैं कहाँ तक आया हूँ ये अपने आप को समझ में आता है, मैं कहाँ तक हूँ। ठीक है, तो इसीलिए भी इन सही रास्ते को समझें। अगर समझते हैं बहुत ही मंगल है, बहुत ही कल्याण है। ठीक है, ये है सही कुशल धर्मों का आदि आरंभ, धर्मों का जो आरंभ है सुविशुद्ध बनता है वह आपके भीतर हैं। तो यहाँ तक तो आरंभ बता दिया, विपस्सना का आरंभ, ये कैसे आपके लिए विपस्सना का द्वार खुलता है बता दिया। अभी बताता हूँ आप लोगों को ये विमुक्ति का मार्ग कौन व्यक्ति है जो पूरा कर सकता है या विमुक्ति को हासिल कर सकता है, निर्वाण को पास, मोक्ष को पा सकता है। क्योंकि इस अभी जो बताया गया, जो आप अभी जो परिचय दिया है, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति सक्षम है कौन व्यक्ति असक्षम है। ठीक है, संखारं निच्चतो समुपस्संतु, कोई व्यक्ति संस्कार को, संस्कार यानी कि जो हेतु से बनी हुई बात होती है, जैसे कि आज हम हमारा जन्म है, जैसे हमें ये रूप मिला है, शरीर मिला है, ये वेदना है, शरीर में संवेदना होती है, ये संज्ञा यानी कि पहचानने वाली संज्ञा है, ये जो चेतना है, ये जो विज्ञान है यानी कि विज्ञान है, तो ये जो उत्पन्न हुआ, जो यानी कि हेतु से उत्पन्न हुई है, हेतु होने से उत्पन्न हुई है, हेतु न होने से मतलब वो उत्पन्न नहीं होती, वो संकट होने के कारण वो संस्कार है। तो वो कायिक संस्कार, वाणी के संस्कार या मन के संस्कार हो, चाहे कुशल संस्कार हो, चाहे अकुशल संस्कार हो, चाहे आनंद संस्कार हो, चाहे चक्षु से संस्कार का दूसरा एक शब्द प्रयोग है संचेतना, संचेतना संस्कार का ही नाम है। तो जो रूप संचेतना है, शब्द संचेतना है, गंध संचेतना, तो ये भी, तो जिसको, जो व्यक्ति इन संस्कारों को नित्य के तौर पर देखता है, चाहे रूप हो चाहे वेदना हो, चाहे अभी कभी कभी लोगों को रूप का तो पता चलता है कि ये नष्ट हो जाता है, लेकिन ये जो मन है, ये मन को पता नहीं, उसको लगता है कि जिसको मन कहे, आत्मा कहे या चित्त कहे, जो भी नाम देते हैं, जब कुछ लोग विज्ञान भी कहते हैं, विज्ञान, ये तो नित्य ध्रुव है, क्योंकि ये ही एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है, तो ऐसे भी दृष्टि आ जाती है। तो जो व्यक्ति संस्कारों को नित्य तो समनुपस्थिति नित्य है करके जो समझता है, यानी कि वो अजर है, अमर है, ध्रुव है, शाश्वत है, अनुलोमिकाय खंतिया समन्नागतो भविष्यति नेतं ठानं विजति, वह व्यक्ति उस संस्कार के सत्य स्वभाव को समझ सके, यानी कि जो संस्कार, उस संस्कार ने जो अनित्य का स्वभाव धारण किया हुआ है उसको समझ सके, उसकी दृष्टि वैसी बन सके, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। कि जो नित्य देखते है, कोई बोलता है कि चाहे ये लोक है या परलोक है, तो चाहे देवता लोक है, किसी देवता लोक को चाहे उसके नाम बहुत सारे देता है कि आत्मा है, परमात्मा है, बहुत सारे ये हैं, वो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, बहुत सारे ऐसे जो नित्य के तौर पर जो संस्कार है, क्योंकि हेतु से उत्पन्न होने का संस्कार है,
और उन संस्कारों को नित्य की तरह समझता है, तो वह व्यक्ति उस संस्कार के सत्य स्वभाव को भला कैसे समझ पाए। क्योंकि विपस्सना करने की, विपस्सना क्या है, जो विशेष से न पश्यति इति विपस्सना, जो विशेष रूप से, जो प्रज्ञा से जो देखा जाता है, ये देखा जाता है अनित्य दुख अनात्म। ये तीन जो लक्षण है, इन लक्षणों का संदर्शन करना ही विपस्सना है। और वो व्यक्ति इन संस्कारों का सत्य स्वभाव देखे, उसके अनुकूल वो बात समझ सके, ये बात संभव ही नहीं है। फिर भगवान आगे कहते हैं, अनुलोमिकाय खंतिया असमनागतो। और इस प्रकार के संस्कारों के जो सत्य स्वभाव है उसको न समझने के कारण, या उनके सत्य स्वभाव को स्वीकार करने योग्य उसका न बनने के कारण, और उस क्या होता है, जो उसके स्वाभाविक जो परिणाम आने वाले होते हैं, जो अनित्य का दर्शन करने से, विपस्सना प्रज्ञा उत्पन्न करने से, जैसे जो आश्रय क्लेश नष्ट होने वाले होते हैं, वो होंगे ही नहीं। सम्मत नियम उक्कमिष्यति, मतलब वो ऐसा होगा है, नेतं थानं विदिते, ऐसा होगा ही नहीं। मतलब यानी कि जो उसके अनित्य का दर्शन करने से जो बात होने वाली होती है, तो ये बात होगी ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि उसने वो उसके संस्कार के वास्तविक स्वभाव को समझा ही नहीं है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो ऐसा समझा ही नहीं है, वहां तक उस सत्य स्वभाव तक पहुंचा ही नहीं है, तो सम्मत नियाम अनुक्कम मानो सोतापत्ति फलंगवा सकदागामी फलंगवा अनागामी फलंगवा अरहतं फलंगवा सच्ची करिष्यति इति नेतं थानं विद्यते। ये कभी संभव होने वाली बात नहीं है कि अगर वो उसने उस संस्कार के सत्य स्वभाव को अगर वो नहीं समझ पाया, वहां तक उसकी प्रज्ञा नहीं पहुंच पाए, तो वो व्यक्ति श्रोतापन्न बन सके, सकृदागामी बन सके, अनागामी बन सके, या अरहंत बन सके, संभव ही नहीं। नेतं थानं विद्यते, कभी संभव ही नहीं। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये जो बहुत सारे लोग बहुत सालों से जो मेहनत करते हैं, कहते हैं कि मैं विपस्सना करता हूँ, तो किस तरह के ये जो जड़े हैं, मतलब जो उसके धागे हैं बंधे हुए, जिस कारण से वो आज भी जैसा चाहिए वैसे प्रतिफल नहीं देखते। कुछ लोग कहते हैं कि जो बस एक किसी पर्टिकुलर प्रकार की कुछ ये करते हैं, समझते हैं, वो एक माया होती है मन की, और उसमें समझते हैं कि ये मुझे अभी तो भंग का ज्ञान हो गया, और जिसको भंग का ज्ञान हो गया वो तो श्रोतापन्न बन गया, एंड आदि आदि रूप से। लेकिन लेकिन फिर भी उसके भीतर बहुत सारी जो श्रोतापन्न होने से, होने के समय में जो क्लेश दिखा देते वो होते हैं। कुछ कुछ लोग मैं ऐसे भी देखा है जो सोचते हैं कि अभी तो मुझे साक्षात्कार हुआ, मैं तो श्रोतापन्न बन ही गया, और उसको हमारी भाषा में कहते हैं, पाली भाषा में कहते हैं अधिमान कहते हैं। अधिमान का अर्थ होता है कि जो होता है, जो नहीं होता है, जो होने की तरह समझ लेता है, उसको लगता है कि मुझ में अभी सत्काय दृष्टि नहीं है, मुझे अभी शील विचिकित्सा भी नहीं है, मुझ में अभी शीलवत परामर्श भी नहीं, शायद मैं श्रोतापन्न बन गया हूँ, ठीक है, और इस तरह से इसमें रहते हैं, लेकिन उसको साफ साफ दर्शन नहीं होता है। लेकिन जब सोचते हैं उसके बारे में तो उनको नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब वो कॉमनली लाइफ जीवन रखते हैं तो उनके भीतर वो बहुत सारे उनके व्यवहार में देखते हैं, लेकिन प्रज्ञा से वो नहीं देख पाते हैं कि सत्काय का अर्थ यही है, विचिकित्सा का अर्थ यही है, या सिल्वर परामर्श का यही अर्थ, वो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इस कारण से उनको लगता है कि जो नहीं होते हैं तो उनको होने जैसा लगता है, ठीक है, तो उनके लिए भी अलग अलग बातें हैं। तो आगे कहते हैं, अभी मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, ठीक है। सोवत भिक्कवे भिक्कु सब संखारे अनिच्चतो समनुपस्संतो अनुलोमिकाय खंतिया समन्नागतो भविष्यति थानमेतं विद्यति। ऐसा संभव है, जो व्यक्ति सभी संस्कार, जितने भी संस्कार है, चाहे रूप संस्कार हो, रूप से संबंधित हो, चाहे शब्द संचेतना हो, या गंध से संबंधित हो, चाहे स्पष्ट पदार्थ संबंधित हो, चाहे चित्त से जो विचार है, धम्म है, उससे संबंधित हो, चाहे कुशल हो, चाहे अकुशल संस्कार हो, कोई भी संस्कार, सारे संस्कार अनित्य, तो जो अनित्य की तरह देख लेता है, तो उसकी जो सोच है, उसकी जो पहुंच है, वो सत्य के अनुकूल बनती है, और उसको सत्य को स्वीकार करने योग्य सत्य, मतलब जो सत्य ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान ज्ञान में
बसा हुआ व्यक्ति या उससे युक्त हुआ व्यक्ति बनता है और ये ऐसा बन सकता है। और जो ऐसा बनता है यानी कि जो अनित्य है तो उसको सभी संस्कार अनित्य है तो उसको अनित्य की तरह जो समझ लेता है तो वही व्यक्ति समर्थ होता है श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी फल को प्राप्त कर सकते ठानंग में वैसा संभव है। तो आगे कहते हैं जो व्यक्ति सभी संस्कारों को सुख की तरह देखता है, जैसे कोई व्यक्ति ये जो हमें शरीर मिला है वो उस शरीर को लगता है कि ये सुख है, ये जो हमें वेदना उत्पन्न होती है उसको समझता है ये सुख है, संन्या संखार विज्ञान या जो कुछ भी है ये संसार में जो कुछ भी हेतु से उत्पन्न होता है और ये उत्पन्न होने वाली बात होती है वो संकर है, तो उन संस्कारों को सुख की तरह देखता है। तो जो व्यक्ति सुख संज्ञा से देखता है तो उसकी वो भी सत्य से वो बहुत परे गया, वो सत्य का दर्शन नहीं कर पाता है और ऐसा व्यक्ति को संभव ही नहीं है कि वो सत्य तक पहुंच जाए, सत्य का सही ढंग से संदर्शन करे, उसमें विपस्सना जागे, ये संभव ही नहीं है। जो संस्कारों में सुख देखता है सुख मानता है तो वो विपस्सना कर ही नहीं सकता और जो विपस्सना नहीं कर सकता विपस्सना ज्ञान ही नहीं जागेगा वो श्रोतापन्न क्या बनेगा, सकृदागामी अनागामी अरहंत क्या बनेगा। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति सभी संस्कारों को दुख के रूप में देखता है कि ये किस तरह से दुख है, ये खामोखा ऐसे ही दुख नहीं है, ये दुख क्यों है, वो अनित्य होने से दुख है, ये अनित्य क्यों है, क्योंकि वो हेतु होने से है, हेतु न होने से वो नहीं होता है, नष्ट होता है, इस कारण से वो अनित्य है, वो अनित्य होने से दुख है। तो वो देखता है जो व्यक्ति सभी संस्कारों में दुख को अपने प्रज्ञा से वो देखता है समझता है तो वो व्यक्ति उन संस्कारों के अनुकूल यानी कि यथा स्वभाव सत्य स्वभाव को देख पाता है और जो ऐसा देख पाता है वही व्यक्ति श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहत बन सकता है, ये वही व्यक्ति यानी विपस्सना कर सकता है। जो व्यक्ति धर्म को आत्म की तरह देखता है, जो भी मतलब धर्म धर्म का अर्थ होता है कि जो भी स्वभाव जो धारण करते हैं जो धातु है या धर्म भी वो भी कहते हैं जो भी मन में जो भाव विचार जागते हैं उसको भी धर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी संसार में हेतु से उत्पन्न हुआ स्वभाव है होने का स्वभाव है तो उसको भी आत्म के रूप में देखता है, ये मेरा आत्मा है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये शरीर आत्मा है, नहीं नहीं कोई कहता है ये मन आत्मा है, नहीं कहता ये शरीर भी आत्मा है ये मन दोनों आत्मा है, नहीं कहता ये शरीर अलग है मन अलग है और उसमें बसने वाला मन भी अलग है आत्मा अलग है, तो अलग अलग तरह से उसको आत्म दृष्टि से देखता है। तो ऐसा व्यक्ति भी सत्य से बहुत परे जाता है, मतलब वो सत्य का संदर्शन नहीं कर पाता। ये आत्म क्यों कहलाता है, क्योंकि जिसमें मतलब जो नित्य जहाँ पर नित्य संज्ञा है जिसे कोई कहता है कि ये नित्य है ध्रुव है शाश्वत है तो उन्हीं व्यक्ति में ये बात आती है कि वो संस्कारों को नित्य सुख के रूप में देखता, अरे ये सुख है। और जो नित्य के रूप में देखता है सुख के रूप में देखता है उसी के भीतर ये दृष्टि जागती है कि ये आत्मा है और वो आत्म दृष्टि धारण करने के कारण वो सच्चाई से बहुत परे जाता है, सच्चाई का संदर्शन नहीं कर पाता है और इस कारण से संदर्शन न करने के कारण भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी या अरहंत बनना संभव ही नहीं है। अगर मतलब यानी कि वो विपस्सना का अभ्यास कर ही नहीं सकता, क्योंकि श्रोतापन्न कब बनता है, जब विपस्सना करेगा तब, है ना, तो वो संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं सोवत भिक्खवे भिक्खु सब धर्मे अनत्ततो समनुपस्सन्तो अनुलोमिकाय खंतिया समन्नागतो भविष्यति ठानमे तन्यज्यति। ये बात संभव हो सकती है कि जो व्यक्ति सभी धर्मों में जो भी हेतु से उत्पन्न हुए जो भी धर्म होते हैं उसको अनात्म की तरह, ये अनात्म क्या होता है, जिसको मैं कहूँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अनित्य होता है परिवर्तनशील, तो उसको मैं कहूँ तो वो मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है, जिसको मेरा कहूँ जिसको मेरा कोई प्रभुत्व नहीं है, जो मैं नहीं मेरा नहीं तो उसको, और वो अनित्य होने के कारण उसको कैसे वो नित्य ध्रुव कहे, तो इस कारण से वो अनात्मा वो आत्मा नहीं। लोग आत्मा अनात्मा के कारण वो झगड़ करते हैं, तुम आत्मा मानने वाले ना, ये बात वाद पैदा करती है लेकिन सच्चाई से बिल्कुल अलग है। आखिर ये अनात्मा की व्याख्या समझना जरूरी है। लेकिन जो सचमुच जो सभी धर्म के प्रति जो अनात्म सब धर्म में अनंत तो समन उपस्थित यानी कि अपनी प्रज्ञा से जो समझ लेता है तो वही व्यक्ति
जो विपसना ज्ञान से सत्य का संदर्शन करता है, संदर्शन करने की क्षमता रखता है, अगर ऐसा नहीं है और फिर भी जाकर विपसना कोर्स में बैठ जाता है, देखता है कि ये अनित्य है, वो बाहर नहीं करती, वो मतलब अनित्य का दर्शन नहीं कर पाता है, मतलब वो अनात्म का बोध नहीं कर पाता, जो नहीं करता है तो वो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी भी नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार जो निर्वाण है, निर्वाण को दुख को रूप में देखता है, अरे ये जो निर्वाण पाना है, जैसे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा, अरे जिस ये शरीर होने के कारण ही सुख का अनुभव होता है, अगर ये शरीर से ही मुक्त हो गए तो हम ये सुख कौन भोगेगा है ना, तो ये तो निर्वाण पाना तो फिर हमें तो दुख देने जैसा लग रहा है ना, मुझे मुक्त नहीं होना भाई, मैं तो संसार में रहूंगा, मुझे सुख भोगना है क्योंकि ये शरीर से बहुत सुख मिलता है, शरीर से सुंदर शरीर है, दूसरे शरीर का भी उपभोग कर सकते हैं तो सुख मिलता है, और जहाँ जहाँ शरीर से नहीं है, जहाँ पृथ्वी आप तेज वायु धातु का कोई अस्तित्व नहीं है, सब जहाँ जन ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, फिर ऐसे जगह पर कुछ न होकर वो तो क्या सुख रहेगा। तो जो ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण को भी दुख के रूप में देखता है, मोक्ष को भी दुख के रूप में देखता है, वो भी सच्चाइयों को सत्य तक नहीं पहुंच सकता। जो सत्य तक नहीं पहुंच पाता वो व्यक्ति विपसना का मतलब विपसना प्रज्ञा नहीं उत्पन्न कर सकता, विपसना प्रज्ञा नहीं है तो वो व्यक्ति श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत नहीं बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति निर्वाण को सुख के रूप में देखता है कि अरे निर्वाण कितना परम सुख है, ये जो बार बार मिलने वाला जन्म है किस कदर हमें दुख देता है, ये बुढ़ापा है, ये रोग होना है, ये मृत्यु आना है, कितना दुख है, और इससे छुटकारा पाना, यानी कि जन्म स्वभाव से छुटकारा पाना, बुढ़ापा होने से छुटकारा, हमेशा के लिए रोगों से मुक्त हो जाना, हमेशा के लिए मृत्यु से परे हो जाना, मृत्यु पर विजय पाना, कितना अच्छा है, कितना सुख है। तो ऐसा समझते हुए जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, उसको सुख समझता है, एतंग संत, ये परम शांत, यहाँ कहीं कोई चंचलता नहीं, कहीं कहीं दुख नहीं है, तो ऐसा समझता है, तो वो व्यक्ति सत्य को समझने वाला बनता है और सत्य तक पहुंचने वाला बनता है, उक्कमंति की रात होता है वहां तक पहुंचा हुआ, मतलब उसको प्राप्त कर सकता है, और जो ऐसा उस सच्चाई तक पहुंचने वाला जो बनता है वही व्यक्ति विपस्सना कर सकता है, वही व्यक्ति श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी और अरहंत बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अनेक प्रकार से मैंने जो बातें बताई है, तो कौन व्यक्ति विपसना कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है ये भी बताया, कौन व्यक्ति इस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है ये भी बताया। तो अभी मैं आगे की जो साधना है बहुत डीप है, बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर की सोच नहीं सकते, इसलिए हर एक कड़ी को समझना है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं विपसना कर्मस्थान का अभ्यास करूं, आपको उसकी एक कड़ी को भी भूलना नहीं, आरंभ से लेकर यहाँ तक की हर एक बात को नोट करो, चाहे हर बात से समझो, कुछ बात नहीं समझ में आई उसको एक्सप्लेन करके किसी द्वारा उसको स्पष्ट करके ले लो, और इनको मतलब निर्दोष बनाओ, और ये ज्ञान आपको सचमुच आपके लिए विपसना का द्वार खोले, और आप विपसना कर पाएंगे, और जब विपसना कर पाएंगे तो आप इस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त कर पाएंगे, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत बन पाएंगे। ठीक है, तो आगे की साधना बहुत गंभीर है, ये विपसना कोई आसान बात नहीं, मैंने पहले वाक्य क्या बोला है पन्युतस्सायं धम्मो नायं धम्मो दु, ये प्रज्ञावान लोग ही समझ सकते हैं, दुष्प्रज्ञ लोग नहीं। प्रज्ञावान का अर्थ ये नहीं है कि किसी के पास बहुत सारी डिग्रियां है, बहुत सारा मतलब बड़े बड़े लोगों को सिखाता है, वो प्रज्ञावान नहीं है। प्रज्ञावान का अर्थ होता है जिसको अर्थ और अनर्थ का ज्ञान है, जिसको कुशल और अकुशल का ज्ञान है, पाप और पुण्य का ज्ञान है, जिनको कुशला धम्मा अकुशला धम्मा व्याकृत धम्मा आदि का ज्ञान है, कम से कम जो व्यक्ति को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है वो व्यक्ति ज्ञानी है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के लिए ही ये धर्म है, और वही व्यक्ति इसका अनुगमन करते, अगर नहीं है तो जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए सोचे, और जो प्राप्त है उसको और बढ़ाने के लिए सोचे। ठीक है, ये भगवान का जो श्री सद्धर्म है, एकांततः परम निर्वाण गामी है। आप लोगों को भी ये धर्म देशना निर्वाण के रास्ते पर आरूढ़ होने के लिए ये प्रेरणादायी बने, इस सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ, और
आप लोगों ने भी संघ को उद्देश्य कर कुछ दान दिया था, वो अर्जित किया हुआ पर्यति ग्रुप ने दिया था, वो दान का पुण्य भी, और मैंने जो भी सभी दानों को जीतने वाला धर्म दान दिया है, और ये धर्म दान का अग्रतम पुण्य भी आप सबको अनुमोदन करता हूँ, और ये सारा पुण्य आप सबको निर्वाण पाने में हेतु प्रत्यय बने करके अनुमोदन करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। सुखी दुखा निरोगा सुखी साधु साधु साधु। किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो 10-15 मिनट पूछ सकते हैं, जो हमने जो सीखा है उसी के ऊपर, ठीक है, और बाहर के प्रश्न नहीं। हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करने के बाद मैं अनम्यूट करूंगा। एक श्रुति जोशी करके है, उनका एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में कि बुद्ध मेंशन विपस्सना शुड बी प्रैक्टिस आफ्टर ट्रेनिंग 5 झानास एज पर अभिधम्मा और 4 झानास एज पर संतान सुतांता आफ्टर टेम्पररली सस्पेंशन निर्वाणास, प्लीज एक्सप्लेन यूअर व्यूज टू। हाँ, वो तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी रहेगी, क्योंकि ये इतना एक्सप्लेनेशन था कि उसके लिए समय नहीं मिला। तो बात ऐसी है कि विपस्सना का अभ्यास करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा मतलब चारों ऐसा अभी कर सकते ऐसा नहीं है, वो भगवान के समय में ऐसे ऐसा था। अभी जो उन 4 अंगों में से आप जहाँ बैठते हैं ना, उसके अनुसार आपको करना है, ठीक है। किसी के क्योंकि हर किसी का अपनी अपनी अलग अलग पुण्य पारमी होती है, तो जो व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति का मन शमत भावना करने में बहुत आसान लगता है, तो उस व्यक्ति ने पहले शमत भावना करनी चाहिए, फिर विपस्सना करनी चाहिए। अगर वो शमत भावना करने मतलब विपस्सना करने में उसको बहुत दिक्कत है और फिर शमत कर नहीं रहा है, तो बात गलत है, ठीक है, मतलब वो उसको रास्ते नहीं बना सकता। तो जिनको शमत भावना करने में आसानी है, तो उसने शमत भावना पहले करनी चाहिए, फिर बाद में विपस्सना करनी। जिनको विपस्सना करने में पहले आसानी है, तो उसने विपस्सना करनी चाहिए, फिर विपस्सना करनी चाहिए। जिनको दोनों ही एक साथ करने संभव है, तो वो दोनों ही एक साथ कर सकते हैं, शमत और विपस्सना। और जिनको दोनों भी नहीं होते हैं, तो उन दोनों के भी अपने भीतर के जो भी और अपने गुणों को देखकर दोनों का बैलेंस बनाते हैं, अपने दोनों को बनाना है। तो ये ऐसा एक रास्ता है। तो आज के जमाने में मैं एक आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि शब्द साधना का अभ्यास करने के बाद ही विपस्सना करनी चाहिए, क्योंकि यथाभूत ज्ञान दर्शन कब होता है, जब चित्त समाहित सम्मा समाधि में आ जाते हैं, यानी कि चाहे आप प्रथम ध्यान द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान में होते हैं, तभी आप विपस्सना कर सकते हैं। या जो भोजंग धर्म के अनुसार जो समाधि संभोजंग आता है, जब ये स्पर्श होता है ना, तभी आप विपस्सना अभ्यास कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर पाते। यानी कि जो श्रुति को नाम है उनके ने जो प्रश्न पूछा है वो बात सही है कि पहले शमत भावना करना चाहिए। शमत का अर्थ होता है सम्मा समाधि में प्रतिष्ठित होना, उसके बाद ये करना। तो इसको प्रॉपरली समझना है, ठीक है। अगर प्रॉपर नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस मात्र प्रैक्टिस रहेगी, सालों के पीछे साल बीत जाएंगे, आप अनुभवी व्यक्ति बनेंगे, आप आचार्य भी बनेंगे, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। साथ 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 भावना जी है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू डू कायानुपस्सना। अभी अभी तो आरंभ है ना, तो धीरे धीरे हम सब सीखने वाले हैं, ठीक है। कायानुपस्सना के बारे में अगर संक्षेप में देखना है तो आप आनापान के जो हमने एक टॉपिक बताया वहां पर देख लीजिए, लेकिन हम जब सतिपट्ठान का अभ्यास सिखाएंगे तब ये सारी बातें बताएंगे, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपका अनम्यूट हाथ रेज कर सकते हैं तो मैं अनम्यूट कर सकता हूं। नहीं, उनको उनको खुद अनम्यूट कर नहीं सकते क्या उनकी, क्योंकि उनको, हाँ तो फिर मैं वैसा करता हूँ। हाँ वैसा कर लीजिए, आसान रहेगा, ठीक है। आप लोग खुद अनम्यूट करके माइक ऑन कर बोलिए कुछ। स
वंदा भी पंत जी। हाँ आशीर्वाद है। जैसे कि आपने ये जो बताया विपश्यना के बारे में, तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी कुछ बंते जी के शिविर अटेंड किया है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि विपश्यना बहुत आगे की बात है, लेकिन पहले आप भावना मेडिटेशन करेंगे तो ही आप थोड़ा समझ पाएंगे और उसके बाद ही आप विपश्यना कर सकते हैं। तो क्या सही है। तो अभी मैंने जो अभी बताया है कि जो चार लोग बताए हैं कि जी, कोई लोग ऐसे होते हैं जो विपश्यना भी कर सकते हैं, पर लेकिन उनका पहले पूर्व जन्म का पुण्य होना पुण्य होना चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति में हम जो इसे जीवन गत कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि पहले शमत भावना करें। शमत है, मिथ्या शमत नहीं है। जैसे कि सिर्फ बैठना और स्मृति पर ध्यान में घंटों रख दिया, हम अभी अनुकूल बन गए हैं साधन विपश्यना करें, ऐसा नहीं होता है। सम्मा समाधि का स्पर्श होना जरूरी है, तभी आप विपश्यना कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, यही बात समझ जी। और बंते जी, और एक पूछना था कि उन्होंने 40 प्रकार के जो कर्मठान होते हैं या फिर 40 प्रकार की जो भावना मेडिटेशन होता है, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर, या फिर कुछ कलर होते हैं जिसको देख के हम शांत वो होते हैं। हाँ, वो बताया था उन्होंने कि उन्होंने जैसे बताया कि जो भी आपको सबसे इजी वाला जो है वो सांस को देखना, तो आप अगर उससे स्टार्ट करते हैं या कुछ देर, मतलब कुछ दिन तक उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़े। बात ऐसी है कि हमेशा भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ में जो साधनाएं बताई उसी अर्थ में उसको फॉलो करना, तभी आप उसके प्रतिफल को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात। और आजकल ये जो कसिनो की भावना होती है ना, पृथ्वी आदि कसिन जो है, ये बिना गुरु के या गुरु के सानिध्य में रहकर या अनुशासन से नहीं कर सकते। खुद जाकर खुद पूरी जानकारी ली करूंगा, ऐसा नहीं होता है। कर्मस्थानों का अभ्यास गुरु के पास ही मिलता है। ठीक है, तो जो अभी आसान से जो आप लगते हैं, तो उस तरह का अभ्यास कर लीजिए। जी, मंदर मंत्र जी, साधु साधु। चैट बॉक्स में और एक क्वेश्चन है जो प्रशांत गायकवाड़ जी ने पूछा है। धर्मश्रुत उपासकों को अनुकंपा कर श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धर्म दान के लिए बहुत बहुत साधुकार। मान अतिमान एक अकुशल धर्म गृहस्थ जीवन पर सम्यक दृष्टि के बहुत बड़ी बाधा होती है। किस धर्म का पालन कर इसे दूर कर सकते हैं, किसी प्रकार मनसिकार करें। जब व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान होता है ना, तो ये सारी बातें गौण बन जाती है। मतलब वो धीरे धीरे, मतलब वो समझ लेता है। ठीक है, कुशल को कुशल की तरह, अकुशल को अकुशल की तरह समझ लेता है। जो अकुशल है, सम्यक दृष्टिकोण से अकुशल का त्याग कर देता है, कुशल को अपना देता है। तो ये सम्यक दृष्टि से आरंभ होती है। और जब व्यक्ति विपश्यना प्रज्ञा जगाता है, तो समूलता से नष्ट करता है। लेकिन वो आगे की बात है, अभी हम यहाँ तक ही समझेंगे तो काफी है। जो अपोची है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि भंते, भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपश्चर्या की थी, तो उनकी दिनचर्या कैसी थी? वो विपश्यना कितने घंटे किया करते थे और फिर बाकी के समय दिनचर्या कैसी थी? वो दुष्कर क्रिया बहुत अलग अलग, उनकी कर्मस्थान भी अलग अलग थे, कर्मस्थान की साधना करने की विधि भी अलग अलग थी। और हमें दीघ निकाय के बहुत सारे सूत्र में उसकी बहुत सारी जानकारी है, 6 साल कैसे उन्होंने बिताए। और बस इतना है कि उन्होंने एक पल के लिए भी 24 आवर्स, मतलब एक पल के लिए भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। 2400 घंटों उन्होंने परिश्रम किया, तपस्या की है। और इसीलिए भी ना वो जो ये है, वो कहता है कि मैं 6 साल तक आपके पीछे रहा, लेकिन मुझे इतना छोटा छेद भी नहीं देखा जिससे कि कोई अकुशल पैदा हो। तो इसे कह सकते हैं कि कितना दूर तपस्या था, सोच नहीं सकते। लोम हर्षजनक। साधु साधु साधु। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन वाइंड अप करने जाएंगे। तो उससे पहला क्षमा याचना करेंगे। वंदामी भंते, रश्मि बोल रही हूँ मुंबई से। भंते, हम लोग तो गृहस्थ हैं, विपश्यना साधना भी की है, मतलब शिविर अटेंड किए गोयनका गुरुजी के, बट ध्यान करते हैं फिर भी हमारे अंदर क्रोध आता है, पता भी चलता है कि क्रोध आया, गुस्सा आया, प्रैक्टिस करते, तो क्या फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या?
समझ में तो आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है करके, तो इसके लिए क्या करें? मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं पर फिर भी गुस्सा आता है, पर पहले से थोड़ा कम हुआ है ये भी समझ में आ रहा है, तो आप कुछ बताएंगे प्लीज? जी, गुस्सा आदि ये जो क्रोध है, इसको शांत या समूलता से नष्ट करने के लिए मैत्री साधना बहुत अच्छा उपाय है। थोड़ी मैत्री साधना का अभ्यास करते रहिए। लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार समय दृष्टिवान होता है और धर्म में पकता है, सभी बातों को अनित्य दुख अनात्म की तरह जो विपस्सना ज्ञान से देखता है, तो वो क्लेश को केवल मतलब ऊपरी तौर से नहीं निकालता, वो समूलता से उसको नष्ट कर देता है। तो शमत भावना यानी कि मैत्री भावना जो शमत साधना है, उससे भी आप इस क्रोध को नष्ट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, और विपस्सना से तो भी उसको भी नष्ट कर सकते हैं। दोनों उपाय में से कोई एक अपनाइए। साधु साधु साधु। ठीक है, और किसी को पूछना है? ठीक है, फिर अभी मुझे लगता है प्रश्न खत्म हो गए, क्योंकि प्रश्न उत्पन्न होने योग्य मैंने कुछ बताया मतलब रखा नहीं है, पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझा तो इसी सेशन को फिर से एक बार सुनिएगा, आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे की देशना हम यह विपस्सना कर्मस्थान लेकर आए हैं। हेलो, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बंती जी, मेरी एक प्रश्न थी आपसे। हाँ ओके, हेलो। हाँ पूछ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। बंते जी, मैं कह रहा था कि मैंने बुद्ध गया जो धम्म बोधि है, उस विपासना सेंटर में मैंने अगले साल अप्लाई किया था, तब भी मैं अटेंड नहीं कर पाया अटेंडनेस की मेडिटेशन कोर्स। और इस ईयर भी मैंने जनवरी सीजन में किया था, 12 जनवरी से 23 जनवरी, उसको भी मैं अटेंड नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो बंती जी ये बताइए, प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट हो जा रही है मेरे साथ? वो अपने मैं आज भी अप्लाई कर रहा हूँ अप्रैल मंथ के लिए। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। आपने किन बातों को मतलब प्रायोरिटी दी है, मतलब वो भी जरूरी होता है। और दूसरी बात है कि जो विपस्सना मिलना है, धर्म मिलना है, ये पुण्य की बात है। ठीक है, अगर पुण्य अगर कम पड़ता है तो देरी लग जाती है। ठीक है, लेकिन निराश नहीं होना है। अगर हमें समझ में आता है कि ये सच्चा और धर्म का रास्ता है, तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, और जो बाधाएं आती है तो बाधाओं को समझना है कि मैं जब जाने के लिए निकलता हूँ तो क्या बाधाएं आती है, मतलब तो वो समझना है और फिर उसको दूर करना है। हमारा कोलकाता में भी बनते मेडिटेशन मतलब महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वहां पर भी मैं बहुत बार ट्राई किया जाने के लिए, लेकिन एक दिन भी मैं अटेंड नहीं कर पाया। बगैर हमें ऐसे गए वहां मतलब भगवान बुद्ध को कुछ दान करने के लिए, लेकिन हम मेडिटेशन के लिए अभी तक ऑनलाइन के सिवाय अटेंड नहीं कर पाए कभी भी। तो एक काम कीजिए, अपने इस चैनल पर जो मेडिटेशन के ऊपर जो प्रवचन है उसको फॉलो करके और उसको समझते हुए उसके अनुसार प्रैक्टिस कीजिएगा, लाभ होगा। ओके बंती, नमो बंधाय। वंदा में बंते जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आशीर्वाद। हाँ, मैं विपश्यना का 2 शिविर किया है, एक इगतपुरी में और एक नागपुर में किया हूँ। okay, और लेटेस्ट में लास्ट मंथ में सामनेर शिविर किया बोध गया में। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, तो मेरा कैसा थोड़ा स्वभाव में चेंज हो गया है, तो लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, ऑफिस में भी, घर में भी, सब जगह तकलीफ हो रहा है थोड़ा। नहीं, शायद अपने कुछ प्रैक्टिस में या विधि में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो व्यक्ति शमत यानी विपस्सना का अभ्यास करता है, उसकी क्रियाओं में, जो भी उसके व्यवहार में एक अच्छापन आता है, मतलब उसकी क्रियाओं में कोई दुष्टता नहीं आती। अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो अच्छा व्यवहार किसको पसंद नहीं है। ठीक है, अगर हमारे भीतर कोई कटुता आती है या जो लोग समझते हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध लगता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बुरे हैं, बुरे रास्ते पर चलने वाले, और हम अच्छे रास्ते पर चलने वाले, तो उन लोगों को भला आप कैसे पसंद आ जाएंगे, क्योंकि बुरे लोगों को बुरे लोग ही पसंद आते हैं। ठीक है, तो फिर उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप वो सोचना है कि जो लोग पहले अच्छे हैं उन, क्योंकि कैसे है कि
जो अच्छे लोग हैं उनको उनके द्वारा उनके नजर में अगर आप प्रशंसित जीवन देते हैं, अच्छा जीवन देते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो एक्सेप्टेबल है। वो एक्सेप्ट वे लोग नहीं कर पाते हैं जो लोग स्वयं बुरे हैं, क्योंकि बुरे लोग बुरे लोगों को ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, उनके प्रति मंगल मैत्री करते रहिए और अपने काम में लगे। हेलो, वंदा भी बंते जी। जी आशीर्वाद। प्रशांत गायकवाड़ बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी जो उपासक ने प्रश्न किया बुद्धगया का, बुद्धगया सारनाथ या ऐसे पवित्र ठिकानों पर हमारे जो विपस्सना सेंटर्स है वहाँ पर हम कोर्सेस करते हैं विपस्सना पठान, तो किस कुशल धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं वहाँ पर ध्यान साधना करके? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, जगह चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपना और मेहनत करना तो एक ही है, धर्म का रास्ता एक ही है। बस उस जगह के बस थोड़े से लाभ होते हैं कि उस जगह पर जाने से जो श्रद्धा जागती है, उस श्रद्धा गौरव जागता है, जिस कारण से मन में प्रीति जागती है, ये प्रीति भाव मन को एकाग्र करने के लिए बहुत थोड़ा आसान होता है। ठीक है, या धर्म का वो धर्म की तरंगे थोड़े हमें प्रेरित कर प्रेरणा देती, बस इतना ही है। और क्योंकि मेहनत तो खुद करनी है, अगर वहां जाने के बाद भी हम वही काम नहीं करेंगे और उन फिर उसका भला क्या आशीर्वाद मिलेगा, है ना? साधु साधु। ठीक है, फिर हेलो। नमो बुद्धाय बंते जी। नमो बुद्धाय, अमित काकड़े बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहिए बंते जी। मेरा एक प्रश्न है कि विपस्सना में कहते हैं कि अगर आप ज्यादा शमत का अभ्यास करेंगे आनापान का, तो जो संस्कार वो बोलते कि ऊपर आएंगे, उसको आप नहीं संभाल सकते। तो डे टू डे लाइफ में कितनी देर करना चाहिए शमत के पास, शमत भावना? ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, उसकी एक जो एक टेक्निक है, उस टेक्निक से मतलब ध्यान के लिए कैसे बैठना है, ध्यान कैसे करना है और कैसे उठना है, ये बात अगर समझ में आती ना, कोई बात बाधा ही नहीं आई करेगी। ठीक है, आप कोई मतलब बहुत सारे काम करेंगे, इधर उधर करेंगे, बैठ जाएंगे और ध्यान करेंगे और फिर बिना कुछ ये किए फिर उठेंगे और फिर काम में लग जाएंगे, तो जो मन जो शांत स्वभाव में रहा था और फिर एकदम से बाहर जाने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब लगेगा, किसी का छोटा सा बड़ा आवाज किया तो भी वो मतलब अप्रिय लगेगा, तो इससे व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी विधि सही सीखना है, बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। साधु 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 बंदे, नमो बुद्धाय। अभी हम वाइंड अप करने लेंगे। हाँ ठीक है उपासक। ओके, सभी को नमो बुद्धाय। अभी हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे। उसको म्यूट कीजिए, कुत्ता भूख रहा है वो। हाँ हाँ ठीक है। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े, अभी हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे, फिर आदरणीय पंडित जी को पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं कमामिपया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं कममिधम्म तन्दितिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं कमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु पुण्यानुमोदन याचना तू करते बरो। हालो हालो करते। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितवं। हालो हालो। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु अनुमोदितवं। ओकास द्वारत एनं कतं सप्पं अच्चयं खमतमे भन्ते। खमामि खमितं भन्ते।
ओकास खमामि भन्ते, द्वितीयमपि ओकास खमामि भन्ते, तृतीयमपि ओकास खमामि भन्ते। खमामि खमितब्बं सुखे दुःखा निरोगा हन्तु निब्बानस्स पच्चयो होतु सुखी होतु मंगल। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी जुड़े हुए श्रद्धावान संपन्न उपासक उपासिकों के सभी को बहुत बहुत साधुकार आज के धम्म देशना सत्र में जुड़ने के लिए। आज शाम को, रात को 10 बजे आनापान सत्र होगा। सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद।